खबर झारखंड के चतरा जिला से है, जहां भी भीषण गर्मी लोगों के लिए कहर बरपा रही है। अधिकांश लोग हाई टेम्परेचर के कारण सुबह के 9 बजे के बाद शाम के 6 बजे तक अपने घरों में रहकर समय बिता रहे हैं। जिले का तापमान सुबह 9 बजे के बाद से ही झुलसा देने वाला होता है। दोपहर तक 42 से 45 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं वे लू की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़े सदर अस्पताल में हर 2 घंटे में 4 से 5 मरीज लू की चपेट में आकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिला के सदर अस्पताल की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनका इलाज यहां के चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है और लोगों की जान बचाई जा रही है। भीषण गर्मी से चिकित्सक डॉक्टर अजहर ने बताया कि 3-4 दिनों में रोजाना 40 से 50 मरीज अस्पताल में लू लगने से परेशान बीमार होकर आ रहे हैं। डॉक्टर ने लोगों से तेज धूप में नहीं निकलने की बात कही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ के डॉक्टर का। जो टेम्परेचर है हमारा चतरा जिला का लगभग 46-45 दिखला रहा है और हीट स्ट्रोक जो है लू लगना ये काफी केसेस बढ़ चुका है। अभी सदर हॉस्पिटल में अभी सुबह 9 से जब मैं बैठा हूँ तो इस डेढ़ घंटा में 4 से 5 पेशेंट को मैं एडमिट किया हूँ और 12-13 केस देखा हूँ जिसको हम लोग मेडिसिन दे करके घर भेजे हैं। और लेकिन जो लू का जो केसेज है ये डेली कम से कम मोर देन 50 केसेज यहाँ पे हीट स्ट्रोक का आ रहा है। और ज्यादातर केस यही है हीट स्ट्रोक में जिसमें डायरिया होता है, उल्टी होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फीवर होता है। लोग इसमें गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं और कहीं कहीं तो देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से हार्ट स्ट्रोक होकर के डेथ भी कर रहे हैं। कई प्रखंडों में मौत की भी सूचना है सर, क्या चतरा में भी आपके यहाँ कोई सर? देखिए अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन हर जिला का जो देख रहे हैं आंकड़ा तो काफी ये मौतें के बारे में सुनने के लिए आ रही है कि हीट स्ट्रोक से काफी डेथ हो रहा है।